नमस्कार, मैं प्रिया, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार चुनाव में हारने वाले 30 उम्मीदवार पहुंचे हाईकोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में पराजित कई उम्मीदवारों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। मिली जानकारी के अनुसार लगभग हर पार्टी के उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। किसी ने फर्जी वोटरों से वोट डलवाने तो किसी ने गलत हल्फनामा दाखिल करने का आधार बनाकर याचिका दायर की है, जिसके बाद कुल मिलाकर 30 से ज्यादा चुनाव याचिकाएं दायर की गई हैं। आपको बता दें, असंतोष उम्मीदवार विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव को हाईकोर्ट में ही चुनौती देने का काम कर सकते हैं। इन सभी चुनाव के बाद हाईकोर्ट एक नोटिस जारी कर सूचना प्रकाशित करता है कि चुनाव याचिका किस जज के यहां दायर की जाएगी। आज से शुरू हुई बिहार बोर्ड इंटर की प्रायोगिक परीक्षाएं, कोरोना के कारण काफी समय तक शैक्षणिक गतिविधियों पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लग गया था। वहीं अब सारी गतिविधियों को सामान्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार बोर्ड इंटर प्रायोगिक परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है, जो कि 18 जनवरी तक जारी रहने वाली है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा को बेहतर तरीके से आयोजन और निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। ये रूम प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यरत रहेगा। वहीं परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि इंटरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा 2021 का आयोजन राज्य के कुल मिलाकर 3123 प्रैक्टिकल केंद्रों पर किया जा रहा है। बिहार से सभी शैक्षणिक संस्थान में होगी कोरोना की जांच। कोरोना के कारण बंद पड़े स्कूल के दरवाजों को अब छात्रों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि बीते कुछ दिनों से कई जिलों में संक्रमित छात्रों और शिक्षकों की खबर ने स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा दी है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब बिहार के सभी शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना की जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। मुंगेर और गया में संक्रमितों की आ रही खबरों के अनुसार ही यह फैसला लिया गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है, जिसके बाद अब सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान में रैंडम आधार पर जांच करवाई जाएगी। बिहार में पक्षियों के संरक्षण के लिए कलरव का होगा आगाज। बिहार में जोर शोर से राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में जमुई जिले के नागी निकट पक्षी अभयारण्य में होने वाले राजकीय पक्षी महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों की आवाजाही काफी समय से ज्यादा देखी जा रही है। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के कारण विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के लिए बिहार फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के सदस्य और पक्षियों के जानकार नवीन कुमार ने बताया है कि बिहार में 400 से ज्यादा वैरायटी के पक्षी पाए जाते हैं, जबकि देश भर में 1314 वैरायटी के पक्षी की पहचान हुई है। लेकिन पक्षियों के मामले में बिहार में अब तक उस तरह की जागरूकता नहीं है जो अन्य राज्यों में है। पटना जू में शेरनी उर्वशी ने तोड़ा दम। पटना जू में एक और शेरनी ने अपनी आखिरी सांस ली है। संजय गांधी जैविक उद्यान की शान मानी जाने वाली शेरनी उर्वशी को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिली जानकारी के अनुसार उर्वशी 2 साल से बीमार चल रही थी और 4 दिनों से खाना नहीं खा रही थी। बताया जा रहा है कि उर्वशी की उम्र 18 साल थी और वो अपना जीवन काल लगभग पूरा कर चुकी है। उसके दांत भी टूट चुके हैं और वो चलने फिरने में भी लचर हो गई थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 2004 में उर्वशी को बोकारो चिड़ियाघर से पटना जू लाया गया था और वो भारत के चिड़ियाघर में से हाइब्रिड शेरनियों में से सबसे बुजुर्ग थी। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे प्रदीप दुबे की। प्रदीप दुबे का जन्म आज ही के दिन साल 1951 में राजधानी पटना में हुआ था। प्रदीप दुबे एक भारतीय खेल सिद्धांतकार है। वो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर स्टोनी ब्रुक और स्टोनी ब्रुक सेंटर फॉर गेम थ्योरी सदस्य भी हैं। वो काउंसिल फाउंडेशन येल विश्वविद्यालय में एक दौरा करने की स्थिति भी रखते हैं। उनके अनुसंधान के क्षेत्र में गेम थ्योरी और गणितीय अर्थशास्त्र है। उन्होंने इकोनॉमेट्रिक गेम्स और इकोनॉमिक बिहेवियर जनरल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी और त्रैमासिक जनरल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रकाशित भी किया है। राहुल वैद्य की मां ने दिशा परमार संग शादी को लेकर कही अहम बात। बिग बॉस 14 के हाल ही में किए गए एपिसोड में कंटेस्टेंट राहुल वैद्य की मां उनसे मिलने पहुंची थी। हालांकि बिग बॉस में इस बार राहुल और दिशा की चर्चा काफी ज्यादा सुनने में मिली थी, जिसके बाद ही अब उनकी शादी को लेकर राहुल की मां ने अहम बात कही है, जिसके तहत राहुल ने जब उनसे पूछा कि मैं शादी कब करूं तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने तो तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं तुमको बहुत मिस करती हूं। ई टाइम से बातचीत में गीता वैद्य ने न सिर्फ राहुल की वेडिंग मंथ कंफर्म की है, बल्कि बताया है कि वो शादी की तैयारियां शुरू कर चुकी है। उन्होंने बताया है कि जब राहुल शो के बीच में घर आए थे तो दिशा हमसे मिलने के लिए आई थी। मैंने दिशा की मां से बात भी की है और हमने सब कुछ फाइनल कर लिया है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। बीते दिन बिहार विधानसभा
के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है, जिसके तहत वो मोदी जी से मिलने उनके नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर शिष्टाचार मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को समस्त बिहार वासियों की तरफ से शॉल एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर उन्हें नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार का विकास और इसकी विरासत देश को मजबूती प्रदान करता है। विजय सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोकतंत्र में चुने हुए विधायकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है और उनके लिए बिहार विधानसभा मंदिर के समान है। मांझी के हनीमून वाले बयान पर भड़के तेजप्रताप। बीते दिनों पटना वापस लौटे राजद नेता तेजस्वी यादव ने मांझी के बयानों को तो नजरअंदाज कर दिया, मगर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव अपने आप को रोक नहीं पाए। आपको बता दें, यह पूरा वाक्य तब हुआ है जब जीतन राम मांझी ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए तंज कसा था कि जब भी देश या बिहार में किसी प्रकार का संकट आता है तो ये तीनों नेता हनीमून मनाने चले जाते हैं, जिस पर ही तेज प्रताप यादव का गुस्सा फूटा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मांझी जी मेरे बगल वाले घर में रहते हैं, कमरे में क्या क्या करते हैं हम भी पोल खोल देंगे। उन्होंने कहा है कि मांझी जी को अपने बुढ़ापे का ख्याल रखना चाहिए। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर नीतीश कुमार ने फिर दिया बयान। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा के कारण देरी होने की खबरें सामने आ रही थी। हालांकि अब तक भाजपा की तरफ से भी इस संदर्भ में कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है, जिस पर बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में अब तक उनके कार्यकाल में कभी यह देखने को नहीं मिला कि मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी हुई हो। हमेशा ऐसा होते आया है कि हम शुरुआत में ही पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार कर देते थे। मुख्यमंत्री मुख्य सचिवालय में समीक्षा बैठक करने के बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने उक्त बातें कही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भूपेंद्र यादव के पटना आने पर भी सहज और सामान्य बात होने की ही बात कही है। भाजपा ने राजद पर लगाया आरोप। भाजपा और राजद आए दिन एक दूसरे पर निशाना साधने का काम करती रहती है। इसी क्रम में भाजपा ने एक बार फिर से राजद पर आरोप लगाया है, जिसके तहत भाजपा नेता नित्यानंद राय ने बीते दिन पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ करते हुए अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि देश का व्यापारी वर्ग भाजपा से वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ है। वहीं उन्होंने राजद को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि राजद सरकार में राज्य के बड़े बड़े व्यापारी बिहार से पलायन करने को मजबूर हुए। इसके साथ ही जब एनडीए सरकार आई तो देश और दुनिया के व्यापारी बिहार की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार में व्यापारी राज्य में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। नीतीश कुमार के मंशे पर एक बार फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना भी साधा है। बीते दिनों ज्वाइनिंग की मांग को लेकर पटना के बेल्ट्रॉन भवन में आए अभ्यर्थियों पर पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश कुमार के मंशे पर सवाल उठाया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि एक तरफ कंप्यूटर ऑपरेटर, शिक्षक अभ्यर्थियों, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार के पुलिस अपराधियों के साथ बैठकर मिठाई खिला रही है। तेजस्वी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए आगे कहा कि बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी के अनुकंपाई मुख्यमंत्री ने नौजवानों को अपना दुश्मन मान लिया है। उन्हें रोजगार देने के बजाय अब सरकार उन पर लाठी बरसाने का काम कर रही है। राजद ने भाजपा के हाथों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेबस होने की कही बात। बिहार में एनडीए के टूट की खबर लगातार सामने आ रही है, वहीं विपक्ष भी इस मौके का पूरा फायदा उठाते नजर आ रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर से राजद की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेबसी का जिक्र किया गया है, जिसके तहत राजद नेता प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि राजद के दावे में दम दिख रहा है, नीतीश कुमार की बेबसी साफ देखने को मिल रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर पहले इस तरह की स्थिति नहीं रहती थी, इससे साफ हो गया है कि भाजपा ने जदयू पर दबाव बना दिया है। इसके आगे नीतीश कुमार खुद ही बेबस हो गए हैं। सरकार किसान संगठनों की बातचीत रही बेनतीजा। पिछले एक महीने से अधिक समय से किसान अपनी मांग को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, साथ ही किसान कानून को स्थगित करने की मांग लगातार करते देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार और किसान दोनों के बीच लगातार बातचीत भी जारी है। इसी बीच बीते दिन भी सरकार और किसान संगठन के बीच बातचीत करने की पहल देखी गई थी, हालांकि यह बातचीत बेनतीजा रही। एक तरफ जहां सरकार ने कानूनों को निरस्त करने की मांग खारिज कर दी है, तो किसान ने कहा है कि उनकी लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी और घर वापसी तभी होगी जब इन कानूनों को वापस लिया जाएगा। अब अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। संकेत साफ है कि 11 जनवरी को किसानों के आंदोलन को लेकर उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाओं पर एक साथ निर्धारित सुनवाई के बाद ही वार्ता का अगला रुख स्पष्ट होगा। ऋषभ पंत के बाद अब जडेजा को भी भेजा गया स्कैन के लिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैच की सीरीज का तीसरा मैच खेला जा रहा है। वहीं इसी बीच खिलाड़ियों के चोटिल होने की काफी खबरें सामने आई हैं, जिसके तहत कुछ दिनों पहले ऋषभ पंत को लेकर बयान जारी किया गया था। वहीं अब जडेजा के भी चोटिल होने की खबर सामने आई है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद अब रविन्द्र जडेजा को भी बाएं हाथ के अंगूठे में बल्लेबाजी के दौरान लगी चोट के बाद स्कैन के लिए भेज दिया गया है। बीसीसीआई ने अपने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है।
तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार किसानों के सामने सरकार को किसान बिल को निरस्त करना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।